Hello students, good afternoon. I'm here again with you with the same chapter, same topic, determiners, but here with the uses of. जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में determiners में बताया कि determiners generally adjectives होते हैं, लेकिन इसको separately जो है grammar में पढ़ा जाता है और ये चार तरह के होते हैं. तो चार तरह के जो होते हैं उसमें से पहला जो है वो है articles, दूसरा मैंने आपको बताया था demonstrative, तीसरा पोजेसिव और लास्ट में आपको क्वांटिफायर्स मैंने बताया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है, इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, और ये आपको जो है जूनियर से लेकर सीनियर क्लासेस में आपको हेल्प करता है ग्रामर्स के क्वेश्चंस को वर्कआउट करने के लिए. तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है. आर्टिकल जो है ये फर्स्ट काइंड है अब डिटरमाइनर्स का, और आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं, और एक है डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द आते हैं. द को कभी हम लोग दी पढ़ते हैं, कभी द पढ़ते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि द को हम लोग दी और द कब पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए. बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ए एन और द का हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में, और किस तरह से इसको हम लोग फील गैप्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. कुछ एडिटिंग ऑमिशन के भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे. तो उसमें हम लोग किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे. तो पहले हम समझते हैं कि ए और एन का यूज़ क्या है. हम सभी को मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. 26 क्या होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है. तो ये सब जो है बेसिक जानकारी जो हम लोग को मालूम है. उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे. तो ए का यूज़ हम लोग फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ यूसेज लिख देते हैं. जनरली ए का यूज़ वहाँ होता है जहाँ वर्ड जो है वर्ड्स के शुरुआत में हम लोग कॉन्सोनेंट देखते हैं या कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं. वॉवेल भी है, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसमें भी हम लोग जो है ए का यूज़ करते हैं. किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं. अभी पहला यूसेज है, मान लेते हैं वर्ड बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट विथ कॉन्सोनेंट साउंड. तो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट साउंड भी अगर देता है तो उसके पहले हम लोग ए यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑफ पेन, ठीक है. पी ए कॉन्सोनेंट है, पेन का फर्स्ट लेटर पी है, पी ए कॉन्सोनेंट है, साउंड भी आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है. अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होता है क्या है. ऑल टुगेदर देखिए इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 वॉवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. तो साउंड का एक अपना ही अलग दुनिया है जिसको फोनेटिक साइंस कहते हैं, फोनेटिक वर्ल्ड कहते हैं. उसके अलग से मैं कभी आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो बताऊँगा. फिलहाल हम लोग यहाँ सिंपल वे में समझ लेते हैं कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है. हम इसके लिए हिंदी के कुछ स्वर अक्षरों को लेंगे, जैसे कि अ से आपका अ आ ई ऊ, ये सब जो स्वर हैं जनरली हम लोग अ आ ऊ ई, ये सब को हम लोग स्वर लेते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ देखते हैं हम लोग किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे पेन में ये एक कॉन्सोनेंट है जिसके लिए हम लोग ये यूज़ किए. अब दूसरा हम लोग देखते हैं वर्ड्स बिगिन विथ अ वॉवेल एंड विथ कॉन्सोनेंट साउंड. मतलब वर्ड आपका शुरू हो रहा है वॉवेल से लेकिन साउंड उसका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है. जैसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी वर्ड है जिसमें फर्स्ट लेटर आपका यू है, जो कि वॉवेल है, यहाँ देख लीजिए, AEIOU, ठीक है। यू एक वॉवेल साउंड है, लेकिन वॉवेल लेटर है, लेकिन यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यूनी, यू, या, या जो कि एक स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए हम लोग जो है इसको समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में एन यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वॉवेल देख कर एन यूज़ कर लेते हैं, तो वॉवेल तो है लेकिन आपको साउंड देखिए, उसका साउंड वॉवेल नहीं है, वॉवेल साउंड नहीं है वो, उसमें अ आ ई उ ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा है। अगर अ आ ई उ अगर ऐसा कोई साउंड नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि वो जो है आपका वॉवेल साउंड नहीं है, इसके इसलिए उसके पहले आपको एन नहीं ए यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एन का यूज़ किया है फर्स्ट में, वर्ड्स बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट विथ अ वॉवेल साउंड। तो वर्ड्स बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरुआत होंगे लेकिन साउंड उसका वॉवेल का होगा, तब हम लोग उसके पहले एन यूज करेंगे। देख लीजिए किस तरह से है, लाइक एन आर, एन आर, एच ओ यू आर, हावर नहीं है या हॉर नहीं है, इसको आर पढ़ा जाता है। आर में ओ आ गया, अ आ आर, तो ये वॉवेल साउंड है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, वर्ड्स बिगिन विथ अ वॉवेल विद वॉवेल साउंड, ये तो कॉमन है, वर्ड्स बिगिन विद द वॉवेल विद द वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल से शुरुआत होगा और वॉवेल साउंड भी होगा। लाइक यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एप्पल बोल रहे, ए एप्पल, ए जो है वो वॉवेल साउंड है, ए एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो एन एप्पल, तो ऐसा करते हैं, दो रूल आप समझ गए हैं, ये दो रूल अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आर्टिकल से रिलेटेड उसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार, डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम लोग, और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ए और एन का यूज़ हम लोग करते हैं, ए और एन का यूज़ हम लोग करते हैं ओनली फॉर सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि ए और एन का यूज़ हम लोग हमेशा केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए ही करते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं द का यूज़, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, इसको डिफिनिट आर्टिकल इसी कहा जाता है क्योंकि ये जो है रिप्लेस करता है कभी कभी ए को भी या एन को भी, जिसमें चीज़ें आपकी अगर पहचान वाली होती है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अ बॉय और द बॉय में क्या डिफरेंस है। तो अ बॉय का मतलब है कि उस लड़के को आप जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, द बॉय का मतलब है कि आप उस लड़के को पहचान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल में द का जो है मैंने आपको बताया था, द पढ़ते हैं, तो द जब पढ़ते हैं, जब द के बाद का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल होता है तो हम उसको पढ़ते हैं दी, लाइक दी अर्थ, दी अर्थ इज़ राउंड। अगर द के बाद का जो वर्ड है अगर उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसको द पढ़ते हैं, द सन, द मून, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग समझ गए इसको आसानी से। द का कुछ स्पेसिफिक यूजेस भी है, लाइक अगर देख लेते हैं हम लोग कुछ यूजेस को डिस्कस करते हैं, लाइक बिफोर द नेम्स ऑफ बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, कुछ पवित्र ग्रंथ हैं उसके पहले हम लोग यूज करते हैं द का, फॉर एग्जाम्पल द गीता, द कुरान, उसके बाद दूसरा यूज है बिफोर
नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के नाम के पहले जनरली द का यूज़ हम लोग उस जगह भी करते हैं जो दुनिया में यूनिक हो, यानी एक ही हो, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, यूनिक हो, उसी के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। द लाइक या द अर्थ, आप समझ लीजिए अर्थ एक प्लैनेट है। उसके बाद बहुत सारे यूसेज हैं, इसके अलग से वीडियो आपको बताया जाएगा। इससे पहले एक और यूज़ देख लेते हैं हम लोग, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियडिकल्स, ये सारे नामों के पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, हिंदू एक पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है, जिसके पहले हम लोग द यूज़ करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में था पहले वो थोड़ा सा वो दूर हुआ या पूरा ही दूर हुआ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।